अब 8 जनवरी को कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए थे मेंस के पेपर में उनको सॉल्व करेंगे। जैसे यह है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है फोर रेजिस्टेंसेज 15 ओम 12 ओम 4 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली इन साइक्लिक ऑर्डर टू फॉर्म व्हीटस्टोन नेटवर्क, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो चार रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनको मैंने यहाँ पर दिखाया है साइक्लिक ऑर्डर में। पहले 15 ओम था तो पहले 15 लिखा, उसके बाद 12 ओम था, उसके बाद 4 ओम, उसके बाद 10 ओम, है ना। ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लिक ऑर्डर में हमने लिखा है जैसा कि इसमें कहा गया। फिर कहा गया है द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में है तो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके साथ में कोई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। अभी बैलेंस स्टेट में नहीं है, जब वो रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस स्टेट में हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि ये जो चार रेजिस्टेंस है हम लोग ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बैलेंस स्टेट में इसका रेशियो इसका रेशियो भी बराबर कर सकते हैं, इसका रेशियो इसका रेशियो भी बराबर होता है तो बैलेंस स्टेट हो जाता है, है ना। क्योंकि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर ऐसे है तो बैटरी यहाँ पर जुड़ा होगा, या अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ जुड़ा तो बैटरी यहाँ जुड़ा होगा, दोनों केस में रेशियो वही आता है चाहे जैसे भी जोड़े। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर R। ठीक, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ दिया है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है ऐसे। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक, तो इसका और इसका रेशियो देखेंगे, जैसे आएगा 12 डिवाइडेड बाई 4, इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में इसको डिवाइड करेंगे इनके इक्विवेलेंट से, शुड बी इक्वल टू 15 ओम डिवाइडेड बाई इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा चूंकि पैरेलल में है तो 10 आर बाई 10 प्लस आर, ये आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 से ये कैंसिल होगा आएगा 3, है ना, और फिर 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 5, तो ये आएगा 10 आर बाई 10 प्लस आर इज इक्वल टू 5, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आया 2 आर इज इक्वल टू 10 प्लस आर, है ना, ये हो गया। तो यहां से इसको इधर लाएंगे तो R का जो वैल्यू है वो आ गया 10 ओम, है ना। तो जो भी रेजिस्टेंस इस 10 ओम के साथ में जोड़ा गया इसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम होना चाहिए, है ना। तो यहां पर 10 ओम की वैल्यू फिलअप करना होगा।